दोस्तों कैसे हो आप सब। अभी एक हफ्ते बैठी है आराम से, चिड़िया आवाज़ कर रही है तो कितनी डर रही है ना, क्योंकि अभी चिड़िया आवाज़ कर रही है थोड़ी बहुत तो ये बहुत ज़्यादा डर रही है। और देखिए अभी ये एक डॉगी आई थी, मोम डॉगी, वो कौन से देखो ये बैठी है ना, ये अपने इस बच्चे को लेके आई है, लगता है ये भूखी है, दोनों भूखे हैं। एक दिन पहले आए थे ये, कम से कम देख लो इनके बच्चे थे 6 से 7 बच्चे, ठीक है। अभी देखो हमारी बिल्लू रानी कैसे आराम से बैठी है, बोला ठीक है। चिड़िया वगैरह आवाज़ करती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन दोस्तों देखिए अभी ये चिड़िया है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ये चिड़िया आपको पता हो तो यानी पूर्वजों का कहा है कि ये चिड़िया या तो सांप वगैरह दिख जाता है तो आवाज़ करती है, या ये चिड़िया बिल्ली वगैरह दिखाई देती है तो, और वो सच भी है क्योंकि हमने देखा था कि सांप आ जाए यानी स्नेक आ जाए तो भी आवाज़ करती है, वो स्नेक नहीं और ये बिल्ली आ जाए तो भी आवाज़ करती है, ठीक है। और यही चिड़िया अभी अपने कांच के देखो मार रही थी, क्योंकि इनको अपनी परछाई दिखाई देती है तो ये मारती है ना, परछाई नहीं वो खुद दिखाई देती है ना कांच में, प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता, बट जो भी कहते हैं। अब देख सकते हो हमारी बिल्लू रानी बहुत ज़्यादा डर चुकी है, आँखें बाहर निकल गई इसकी, अंदर डाल अंदर डाल। ये देखो ये चिड़िया अभी गई ना, ये चिड़िया एक दिन फंस गई थी, मैंने इसको निकाला था, सच में वही चिड़िया थी, अभी मैंने देखा इसको लगी हुई थी, उसको मैंने निकाला था और मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था उस टाइम। तो दोस्तों ये देखिए चिड़िया बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है अभी, और हम यहाँ पे आ रखे हैं अपने, है ना। तो दोस्तों बाय, मिलता है आपको फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।